अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज का पहला सवाल है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र के 40 बरस किस नबी को अता किए? ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। तो इसका दुरुस्त जवाब है बच्चों डी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का दूसरा सवाल है बच्चों, इंसानों का बाप किस नबी का लकब है? ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, सी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो इसका दुरुस्त जवाब है बच्चों डी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से निकाले गए थे तो किस मुल्क में उतारे गए थे? ए फलस्तीन, बी शाम, सी मिस्र, डी कोहे आदम। तो इसका दुरुस्त जवाब अगर बच्चों आपको पता है तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो इसका दुरुस्त जवाब है डी कोहे आदम। तो चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। तो आज का अगला सवाल है, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जमीन पर किस मकाम पर उतारी गई थी? ए जद्दा, बी मक्का, सी अरफा, डी मदीना। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या है बच्चों अगर आप लोगों को आता है तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखना है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ए जद्दा में। तो चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की मुलाकात ज़मीन पर किस मकाम पर हुई? ए तहरान, बी जद्दा, सी अरफा, डी मकाम इब्राहिम। तो इसका दुरुस्त जवाब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखना है। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना है चैनल को और लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है।